हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होमवर्क कॉर्नर। कैसे हो आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ इंग्लिश की वर्कशीट क्लास सेकंड के लिए। जब बच्चा सेकंड क्लास में होता है तो उसके जो शुरू के टॉपिक होते हैं वो होते हैं सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं, नाउन, जेंडर, ठीक है। उन्हीं को ध्यान में रखते हुए ये वर्कशीट मैंने बनाई है। मैं उम्मीद करूंगी आपको ये वर्कशीट पसंद आएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। रीअरेंज द वर्ड टू मेक सेंसिबल सेंटेंस। तो यहाँ पे जो वर्ड है वो जो है वो अरेंज नहीं है, वो आगे पीछे है। इन्हें हमें अरेंज करना है और एक सेंसिबल सेंटेंस बनाना है। अर्जुन प्ले क्रिकेट टू लाइक, ये सेंटेंस बिल्कुल सही नहीं है। तो हम कैसे इसको अरेंज करेंगे? सबसे पहले सब्जेक्ट आता है अर्जुन, उसके बाद आती है वर्ब। अर्जुन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट, जो अर्जुन है उसको क्रिकेट खेलना पसंद है, ठीक है। और बाद में हम लगाते हैं हमेशा फुल स्टॉप या क्वेश्चन मार्क या मार्क ऑफ एक्सक्लेमेशन। और जब हमारा सेंटेंस शुरू होता है तो हमेशा फर्स्ट लेटर जो है कैपिटल होता है। लव पेंट आई टू, आई लव टू पेंट, आई लव टू पेंट, मुझे पेंट करना अच्छा लगता है। द गर्ल लॉस्ट पर्स हैज हर, ठीक है। द गर्ल, ठीक है, द गर्ल हैज लॉस्ट हर पर्स, जो लड़की है वो अपना पर्स खो चुकी है, ठीक है। द गर्ल हैज लॉस्ट हर पर्स। द कैपिटल न्यू दिल्ली इज ऑफ इंडिया। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, दिल्ली, न्यू दिल्ली इज द, ठीक है, न्यू दिल्ली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया का आई बड़ा आएगा क्योंकि प्रॉपर नाउन है। नेक्स्ट है वोन क्रिकेट द मैच वी। सो यहाँ पे पहले सब्जेक्ट आएगा वी, फिर हमारी वर्ब आएगी वोन द क्रिकेट मैच, वी वोन द क्रिकेट मैच, ठीक है। इस तरीके से हम करेंगे। आइए अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में है मैच द अपोजिट जेंडर। यहाँ पे आपको अपोजिट जो जेंडर है उनको मैच करना है। सो टाइगर का हो जाएगा टाइग्रेस, डक का डचेस, प्रिंस का प्रिंसेस, किंग का क्वीन और नेफ्यू का नीस, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है राइट द प्लूरल ऑफ सिंगुलर नाउन। सो गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स, ठीक है, वन और मैनी है, ठीक है। तो गर्ल का क्या हो जाएगा, गर्ल्स। बॉय का हो जाएगा बॉयस, पेन का हो जाएगा पेंस, बस का हो जाएगा बसेस, ठीक है, क्योंकि लास्ट में एस है तो हम क्या लगाएंगे, ई एस। मैच का हो जाएगा मैचेस, अगर आपके वर्ड के लास्ट में सी एच है तो जब आप प्लूरल फॉर्म बनाएंगे तो भी आप ई एस लगाएंगे, और अगर एस एच है तो भी आप क्या लगाएंगे, ई एस, ब्रशेस। और डॉग का हो जाएगा डॉग्स, ठीक है। अगर आपके लास्ट में वर्ड के लास्ट में एस है, डबल एस है, ओ है, सी एच है या एस एच है तो आप क्या लगाएंगे, ई एस, जब आप प्लूरल बनाते हैं, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद इज एम आर। सो ही के साथ क्या आएगा, इज, ही इज गुड इन स्टडीज, वह पढ़ाई में बहुत अच्छा है। मोहन पेरेंट्स, सॉरी मैं पहले आर फिल कर चुकी हूं, लेकिन यहाँ पे मोहन पेरेंट्स है, यानी कि पेरेंट्स में मम्मी पापा दोनों आते हैं, इसलिए हम आर यूज करेंगे। मोहन पेरेंट्स आर डॉक्टर। आई, आई के साथ हमेशा एम यूज होता है। आई एम अ टॉल गर्ल, मैं लंबी लड़की हूं। रीमा एंड गरिमा, सो यहाँ पे प्लूरल नाउन हो गए, दो हो गए, तो हम क्या यूज करेंगे, आर। रीमा और गरिमा आर ट्विंस। शी, सी के साथ क्या यूज करेंगे, शी इज गोइंग टू स्कूल बाय बस, बस वह जो है बस से स्कूल जा रही है। आई एम फीलिंग हंग्री, मुझे भूख लगी है, तो आई के साथ क्या आएगा, एम। उसके बाद है इंसर्ट ए एन और द एप्रोप्रिएटली। हमें क्या करना है, एप्रोप्रिएटली जो है मतलब उचित तरीके से हमें ए ओ एन और द फिल करना है, इनको हम कहते हैं आर्टिकल्स। सो एन एप्पल, यहाँ पे हमें वर्ड चेक नहीं करना, हमें साउंड चेक करनी है। अगर आपकी साउंड जो है वोवल वाली साउंड है तो आप आर्टिकल एन यूज करेंगे, कॉन्सोनेंट वाली है तो आ यूज करेंगे। वो हम जब आगे करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रही थी। जैसे आ डॉग, एन आई, आ शूज, एन ओक्स, आ फोक्स, एन ऑरेंज, एन एलिफेंट, एन बॉक्स, सॉरी आ बॉक्स,
अ बॉक्स एन ऑनेस्ट लेडी। अब देखिए यहाँ पे ये एच से शुरू है, वही जो मैं कहने की कोशिश कर रही थी कि ये एच से शुरू है, कॉन्सोनेंट है, लेकिन आएगा इसमें आर्टिकल एन क्योंकि इसकी साउंड ओ से आ रही है, ऑनेस्ट, एन ऑनेस्ट ओल्ड लेडी, सॉरी यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, एन ऑनेस्ट ओल्ड लेडी आएगा। ठीक है, ताजमहल, हम किसी पर्टिकुलर चीजों के बारे में बात करते हैं तो द हम यूज करते हैं, कौन सा आर्टिकल, द आर्टिकल, जब हम किसी पर्टिकुलर, जब वो थिंग हो सकती है, कोई जगह का नेम हो सकता है, किसी व्यक्ति का नेम हो सकता है, तो हम द यूज करेंगे। अ एमएलए, ठीक है, एन एमएलए, ठीक है। अब देखो यहाँ पे एम से शुरू है, लेकिन एम से पहले साउंड आ क्या आ रही है, एन एमएलए, एमएलए, ठीक है। अ टेबल, अ यूनिवर्सिटी, अब देखो यहाँ पे यू से शुरू है ना, लेकिन साउंड किसकी आ रही है, य की, यूनिवर्सिटी, तो अ यूनिवर्सिटी, ठीक है। द रामायण और द गंगा, ठीक है। अब आपको समझ में आया कि हमें साउंड चेक करनी है, जैसे यूनिवर्सिटी यू से शुरू है, वोवल से शुरू है, लेकिन साउंड जो है वो य की आ रही है, ठीक है। सो आज के इस वर्कशीट में सिर्फ इतना ही, होप यू लाइक द वीडियो, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर तो बनता है। इसी तरीके की एक नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।